अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलात वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अम्मा बाद फकत कालल्लाहु ताला फिल कुरआनिल मजीद व फुरकानिल हमीद व बुरहानिर रशीद व इरशादिल अज़ीम फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन व अखरिजनी मुखरज सिदकिन व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदकल्ला। सूरा बनी इसराइल है, 15वां पारा है, 17वीं सूरा है, 17, और इसकी 80 नंबर आयत है। वकुल, और आप फरमा दीजिए, अर्ज कर दीजिए अल्लाह के हजूर, रब्बी ऐ मेरे रब, अदखिलनी मुझे दाखिल कर, मुदखला सिदकिन इस तरह दाखिल कर जिस तरह सच्चे दाखिल होते हैं, खुशनुदी के साथ, सच्चाई के साथ दाखिल। वह अखरिजनी और मुझे यहाँ से बाहर ले जा, मुखरज सिदकिन इस तरह जिस तरह सच्चे जाते हैं, वजाली और मेरे लिए बना दे, मुझे अता कर दे, मिल्लदुन का अपनी तरफ से सुल्तानन नसीरा ऐसा सुल्तान, ऐसा गालिब जो मददगार हो। ये असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है आप दुआ फरमाएं कि मक्का से मुझे मदीना की तरफ ले जाएं, मक्का से खारिज करें और मदीना में दाखिल करें, तो अल्लाह पाक मुझे सच्चों की तरह, अच्छों की तरह। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, वो आपको बता देता हूँ। सदक, सदीक, सद्दीक, सिद, सिदीक, सिद्दीक। सदीक होता है दोस्त, और सद्दीक होता है पक्का दोस्त। सिदीक होता है सच्चा, और सिद्दीक होता है ऐसा सच्चा जिसने कभी झूठ ना बोला। सुल्तान असल में कहते हैं गलबा वाले, जिसका इसके मफहूम में असल में गलबा आता है, ताकत, हुक्मरानी। और नसीर, नसर से है, मदद से है। अब मदद भी अरबी का लफ्ज है, औन भी अरबी का लफ्ज है, और नसर भी अरबी का लफ्ज। आम कोई मदद हो, आम मदद, हर तरह की मदद हो, तो उसको औन कहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। नस्तईन, हर तरह की मदद। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहां पे वला वलियु वला नसीरा, जहन्नम में किसी का कोई साथी ऐसा नहीं होगा जो उसको बचा सके। तो नसीर होता है ऐसा साथी जो आपसे किसी शर को, किसी बुराई को, किसी मुजर चीज को दूर कर दे, खास तौर पर उस वक्त आपकी मदद करे जिस वक्त आप किसी चीज में घिरे हो। ये नसर के लिए। वैसे इसका मतलब बारिश के भी हैं, जब बारिश बरसती है तो ज़मीन की मदद हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो आज चूँकि रजब की 13 तारीख करीब है, तो इस खसूसी हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्ला अला वजहुल करीम के ज़िक्र खैर से इस आयत को मैंने चुना कि आप सुल्तान नसीरा कहाँ हैं। जब हम देखते हैं शुरू से, तो अली 10 साल के हैं, हजूर 40 साल के हैं, नबूवत का ऐलान हो जाता है। अली पैदा हुए हैं, हजूर 30 साल के हैं, और ये कायनात हस्ती में वाहिद हस्ती है
कि जो काबा के अंदर पैदा हुई है। और हजूर के तमाम साथियों में, तमाम दोस्तों में, तमाम अहले बैत में, तमाम लोगों में ये वाहिद हस्ती हैं कि जिनको करम अल्लाह अला वजहिल करीम, कि इनके चेहरे पे अल्लाह का, और किसी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना किसी अहले बैत में से किसी के लिए, ना सहाबा में से किसी। ये सिर्फ और सिर्फ लफ्ज जो है ये अली मुर्तजा करम अल्लाह वजहिल करीम के लिए इस्तेमाल किया है। ये खसाइस है कि इसमें कोई इनका शरीक नहीं है, काबे में पैदा होना और करम अल्लाह अला वजहिल करीम, तो उनके चेहरे पे अल्लाह का करम है। अब हजूर 40 साल के हैं, अली मुर्तजा 10 साल के हैं, अबू लहब कहता है आपका सगा चचा है, हाजा कज़ाब, नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, कज़ब कहते हैं झूठ को, कज़ाब कहते हैं झूठे को, और कज़ाब पक्का झूठा, यानी हजूर सादिक व अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, और सगा चचा कह रहा है हाजा कज़ाब, और बच्चे पीछे पत्थर मार रहे हैं। तो उस वक्त ये 10 साल की उम्र में सुल्तानुन नसीरा क्या है? सुल्तानुन नसीरा 10 साल की उम्र में ये है कि आप अली मुर्तजा उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। अब शेरे खुदा है, जिसको पकड़ा, जिसको मरोड़ा, उसकी हड्डी तोड़ दी उसकी। उन्होंने कहा भाई इसको मना करें कि तू बच्चों को ऐसा मारता है, हड्डियां तोड़ देता है। तो कहा भाई ये भी बच्चे है, वो भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को मना कर लो, हम अपने बच्चों को मना कर लेते। तो ये सुल्तानुन नसीरा है कि जहां जरूरत पड़ी बाहर सारे कातिल खड़े हैं, सारे कबीलों का एक एक बंदा कत्ल करने के लिए हजूर को खड़ा है, हजूर कहते हैं अली इस बिस्तर पे लेट जाओ, बाहर तलवारें हैं, आराम से चादर लेके लेट जाओ, हजूर निकल जाते हैं। बद्र में सबसे पहले निकलते हैं हजरत हमजा, निकलते हैं आप, निकलते हैं हजरत अबैदुल्ला, निकलते हैं, और फौरन अपने दुश्मनों को, आप वलीद को जहन्नम रसीद करते हैं। उहद में जब सब भाग रहे हैं, अफरा तफरी का आलम है, तो कुछ लोग हजूर के गिर्द फिर रहे हैं, उनमें हजरत नसीमा भी हैं रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत तलहा भी हैं, उनमें बहुत सारे सहाबा कुछ ऐसे हैं कि जो 10-12 सहाबा जो आपके हैं, और जो आपके इर्द गिर्द फिर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, हमला करते हैं, वापस आते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं, और दुश्मनों को आपसे भगाते हैं। जब आप कहते हैं कौन है आज जो दुश्मनों को मुझसे भगाए, तो वो अली मुर्तजा। खंदक आ जाती है, 2 हिजरी में बदर, 3 हिजरी में उहद, 5 हिजरी में खंदक, उमर बिन अब्द वक्त हमला करके खंदक को क्रॉस करके, टाप के उसको अबूर करके मुसलमानों में आ जाता है। ये वो है जो 1000 बंदे भारी हैं, और कह रहा आओ भाई जिसने जन्नत में जाना है मैं पहुंचा दूं तुम्हें जल्द से जल्द। 1500 से ज्यादा सहाबा मौजूद हैं, और मुअर्रिख बयान करते हैं कि उसकी आवाज के बाद ऐसे है कि जैसे सबके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा। हजरत अली मुर्तजा उठते हैं, अली मुर्तजा करम अल्लाह अला वजहिल करीम उठते हैं, आप कहते हैं अली बैठ जाओ, फिर वो कहता है आओ तुम्हें जहन्नम में, जन्नत में पहुंचा दूं। और मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में एक भी ऐसा नहीं है जो मेरे मुकाबले में आ सके, फिर आप उठते हैं, आप फिर बैठा दो। तीसरी बार पर उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स का इस तरह बोलना मुझे गैरत आ रही है, मुझे आप इजाजत दें। आप कहते हैं अच्छा, आप अपना पट्टा उतारते हैं, पट्टा उतार के अली मुर्तजा के सर पे बांधते हैं, अली मुर्तजा जाते हैं, उसे कहते हैं देखो 3 बातें हैं, या तो वापस चलो, या इस्लाम कबूल कर लो, या जंग कर। उसने कहा मैं इसलिए नहीं आया वापस जाने के लिए, और ना इस्लाम कबूल करने के लिए, हाँ जंग कर। कहा अच्छा वार कर,
उसने वार किया आपके सर एकदस, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके वहां पे पट्टी बांध, फिर आपने वार किया, वो गिर गया, खंदक के अंदर गिर गया, उसने आपके मुंह पे थूक दिया, आप उसके सीने से उतर आए, उसने कहा मुझे कत्ल क्यों नहीं करते, कहा आप इसमें मेरा जाती गुस्सा शामिल हो गया, तूने मुझे माँ की गाली दी है और मेरे मुंह पे थूका है, अब मेरा जाती गुस्सा शामिल हो गया, अब तुम्हें कत्ल नहीं करोगे, दोबारा उठो फिर मुकाबला करो, फिर मुकाबला किया और फिर ऐसा वार किया कि उसका सर तन से जुदा कर, और फिर उस सर को पकड़कर अली बड़े फखर से आ रहे हैं और सहाबा कह रहे हैं या रसूलुल्लाह अली कैसी चाल चल के आ रहे हैं, कहा ये चाल अल्लाह को आज पसंद है, दरबुन अली अला योमिल खंदक योमिल अहजाब अफजलुम मिन इबादत सकलैन, अली ने जो आज एक जर्ब लगाई है खंदक के मौका पर वो कायनात के जिन्नों इंसानों की अजल से लेके अब तक की तमाम इबादत से बेहतर है, और फिर खैबर है और खंदक, खैबर है और मरहब है, और फिर एक वार करते हैं कि उसको बराबर बराबर ऊपर से लेके नीचे तक थोड़े तक बराबर बराबर तकसीम कर देते, तो ये सुल्तान नसीरा है वमा अलैना।